हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं एक थाली डेकोरेशन करने वाली हूं। और ये थाली, जैसे अभी हमारी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं उसके लिए तैयार कर रही हूँ मेहंदी की थाली, क्योंकि ये ग्रीन कलर का फैब्रिक आपको दिख रहा होगा। तो ये हम मेहंदी की थाली का तैयार करने वाले हैं। उसी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसी के पास में आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। I will run, I will climb, I will soar. So, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक इसमें ये हमारा ग्रीन कलर का चंदेरी फैब्रिक लिया है। आप अगर चाहो तो वेलवेट का जो फैब्रिक आता है ग्रीन कलर में, आप वो भी इसमें यूज कर सकते हो। मैंने चंदेरी फैब्रिक लिया है। इसमें बहुत सारी डिजाइनें आती हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हो। मेरे को अभी यही मिला था मार्केट में, तो मैं इसको लेके आई हूँ। अभी हमें ये हमारी थाली के अराउंड एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसमें 1 इंच का आप एरिया ज़्यादा लेके चलिएगा। तो इसको सीधा करके हम हमारी प्लेट के ऊपर इसे पेस्ट करेंगे। तो इसे आप फैब्रिक ग्लू की मदद से पेस्ट कर सकते हो। मेरे पास अभी फेविकॉल ही था घर पे, तो मैं उसी से इसको लगा रही हूँ। फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं पेस्ट नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि वो बाद में चिपकने के बाद में जब उसका थोड़ा थोड़ा ऊपर मतलब विजिबल रहता है वो, इसलिए। और ये ड्राई होने के बाद में एकदम पता भी नहीं चलेगा कि हमने किस चीज़ से पेस्ट करा है, इसलिए आप फैब्रिक ग्लू की मदद से या फिर फेविकॉल की मदद से ही इसको थाली के ऊपर पेस्ट कीजिए। तो इस तरह पूरा फैला लेने के बाद में आप हाथ की मदद से इसको पूरे पे अच्छी तरह से चिपका दीजिए। थोड़ा टाइम लेगा पेस्ट होने में, लेकिन वो अच्छे से चिपक जाएगा। उसके बाद में अभी जो एरिया बच रहा है ना, उसे हम हमारी ग्लू गन की मदद से पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे अपने बॉर्डर जितने भी थे वहाँ पेस्ट कर दिया। अभी हम हमारी ग्लू गन लेंगे, तो जो थाली के ऊपर के जो किनारे होते हैं ना, वहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो ये हमारा फैब्रिक एकदम फिक्स हो जाएगा वो अपनी जगह पे। सो ये देख लिया हमने अपना पूरा जो किनारे थे वो पूरे एकदम सही कर दिए हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसमें, जो अभी हमें रिमूव करना है इसमें से। लेकिन जितने भी हमारी किनारियां हैं थाली की, उन सबको भी आप आराम से इसको फिक्स कर दीजिए अपने ग्लू गन की मदद से। तो जितनी भी किनारी हमारी कवर हो जाएंगी, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा उसे हम अभी कट कर देंगे। जितना हो सके इसमें एकदम सफाई लाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो जरा भी दिखेगा बाहर की तरफ तो वो दिखने में सुंदर नहीं लगेगा। और इसको एक एक जगह को देखिए आप, मैं अच्छे से एकदम पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो निकल जाने के बाद में फैब्रिक जब निकलता है तो वो दिखने में सुंदर नहीं लगता। अभी ये देखिए, अगर आप चाहो तो इसे बैंड कर सकते हो पीछे की तरफ, ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर सकते हो, बैंड कर सकते हो। अभी उसके बाद में ये देखिए, ये मैंने कुछ एक इस टाइप की गोल्डन कलर की मोर पंखी लेस बोलते हैं इसे, वो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अभी जैसे हम इसके ऊपर लगाएंगे ना, तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वो फैब्रिक एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकल रहा है। या तो आप इसे अंदर की तरफ पेस्ट कर दीजिए, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पेस्ट न करके इसको इस तरह से कट कर दीजिए। जितने भी एंड्स हैं उसके, जहाँ एक्स्ट्रा निकल रहे हैं थाली पे से, आप उनको सबको इस तरह से कट कर दीजिए। तो कट करने के बाद में एकदम फिनिश आ जाएगी उसकी, जो एंड है ना उसके, एकदम शार्प हो जाएंगे। तो वहाँ जब हमारा लेस हम पेस्ट करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से लग जाएगी और दिखने में भी सुंदर लगेगी। ये लेस मैं ले रही हूँ, आपके पास अगर कोई मोती वाली लेस है, जो किनारी पे मोती होती है वो लेस है, या किसी भी तरह की कोई लटकन वाली लेस है, आप वो लगा सकते हो। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसमें रेड कलर की या गोल्डन कलर की,
अच्छी लगेंगी लेस जो आपके पास अवेलेबल है आप घर पे, वो आप लगा सकते हो, या आपके नियर बाई कहीं भी मिल जाती है तो आप देख लीजिए। तो इस लेस से हम अपने पूरे जितने भी हमारा पूरा थाली का जो सर्कल है उसे पूरे को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। और इसको लगातार फिंगर की मदद से टैप करते जाइएगा तो वो अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो जाएगी। अभी यहाँ जो एंड है इसे हम फोल्ड करके पेस्ट करेंगे, क्योंकि उसका जो थ्रेड है कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, इसलिए आप इसे फोल्ड करके पेस्ट कर दीजिए और नीचे तक, तो वो अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा जो सर्कल था, हमारी थाली का किनारा और जो हमारे एंड्स थे फैब्रिक के, वो सारे कवर हो गए हैं। उसके बाद में ये सेकंड लेस है मेरे पास, मिरर की है ये भी गोल्डन कलर में ही है, लेकिन इसमें वीडियो में विजिबल नहीं है इतना। तो ये हम नीचे इसके जो थाली के जो ऊपर का किनारी है ना खड़ी वाली, उसके ऊपर मैं इसे लगा रही हूँ। मिरर वाली लेस मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये जब लाइटिंग होगी वो फंक्शंस में, तो ये काफ़ी चमकेगी, दिखने में सुंदर लगेगी। इसलिए अगर आपके पास मिरर वाली लेस नहीं है, तो अगर आपके पास कट मिरर्स में छोटे वाले होते हैं जो सर्कल मिरर्स, वो आप इसकी जगह पे पेस्ट कर सकते हो। मैं मेरी एक वीडियो में लगाया था मैंने इस तरह से पूजा की थाली में, मैं वो आपको लिंक शेयर कर दूंगी आई बटन में। उसके बाद में ये गोटे के कुछ मैंने पीसेस कट करे हैं, ये हम उसको बॉर्डर बना रहे हैं जो हमारी कोन रखने के लिए, तो इसको मैं ग्लूगन की मदद से पेस्ट कर रही हूँ। पहले ही आप अपने गोटे को साइज को माप के कट कर लीजिए, उसके बाद में सिर्फ फिक्स करेंगे उसे। आप चाहो तो इस पे पहले किसी भी पेंसिल की मदद से ड्रॉ भी कर सकते हो, ताकि वो शेप एकदम सेम आए जो हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हम हमारे ये 4-5 हमने एरिया डिवाइड किया है अपनी कोन्स के लिए। अभी उसके बाद में ये कुछ वेलवेट के फ्लावर्स हैं और कुछ पियोनीज हैं, बट उससे पहले हमारी जो भी किनारी ऊपर की भी खाली लग रही ना, वो दिखने में सुंदर नहीं लग रही। तो एक ये गोल्डन कलर की बहुत पतली वाली लेस है जो हम ब्लाउज वगैरह पे यूज़ करते हैं, वो लेस अवेलेबल थी मेरे पास, तो वो हम हमारा जो ये थाली का किनारा है ना इसे फिल करने के लिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो जो ऊपर जितनी भी थाली किनारी थी वो पूरी फिल हो जाएगी उस तरह से। यहाँ अगर आपके पास में गोल्डन कलर नहीं है, तो आपके पास अगर रेड कलर में लेस होती है तो आप यहाँ पर रेड कलर भी यूज़ कर सकते हो। सो ये देखिए, ये भी हमारी हमने पूरा हो गई, तो किनारी हमारी जितनी भी थी थाली की ना, वो पूरी एकदम फिक्स हो गई है अच्छे से। उसके बाद में फ्रेंड्स, ये देखिए जो जो गोटे के हमने अभी जो बनाया है बाद में, इसके भी एंड्स अभी विजिबल हैं, तो उसके लिए ये एक आती है छोटी सी पत्ते वाली लेस है ये। अभी फिलहाल मैंने अभी जो अभी रिसेंट अपना एक वीडियो शेयर करा था उसमें मैंने यूज़ करी थी, तो वो हम हमारे इसकी बिल्कुल एंड पे लगा देंगे। तो ये जितने भी हमारे गोटे के किनार मतलब एंड्स थे जो विजिबल हैं, वो भी कवर हो जाएंगे और इससे लुक भी इसका काफ़ी इन्हेंस होगा। मतलब बेसिकली हमें हमारे जितने भी एंड्स हैं वो कवर करने हैं। उसके लिए आप कोई भी चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज़ कीजिए, लेकिन हमें हमारे किनारे जितने भी हैं एंड्स वो दिखने नहीं चाहिए। तो मैं सिर्फ उतने ही एरिया पे लगा रही हूँ, ऐसे फुल एरिया पे नहीं लगा रही हूँ।
अभी हम हमारे फ्लावर्स का यूज़ करेंगे, तो इसमें मैं वेलवेट के फ्लावर्स ले रही हूँ और कुछ पियोनीज हैं। कलर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जो भी आपके पास है। मैं अभी ग्रीन, येलो और ऑरेंज ये कलर यूज़ कर रही हूँ। आजकल वेलवेट के फ्लावर्स में आप जितने भी कलर डिमांड करेंगे सारे कलर अवेलेबल हैं, आप कोई से भी लगा सकते हो। तो ये देखिए हमारा, हमने इस तरह से इसको मतलब रखा है। ये कुछ रिबन फ्लावर्स हैं गोल्डन कलर के, ये मैं मेरी वीडियो एक अपलोड कर चुकी हूँ पहले, अगर आप देखना चाहो कैसे बनते हैं तो आप उसे देख सकते हो। और उसके बाद में ये कुछ पॉलेंस हैं और ये रेड कलर में पेपर फ्लावर है, तो वो आप अपनी जगह डिसाइड करके जहाँ आपको लगाने हैं। कुछ हम फोम फ्लावर्स भी यूज़ कर रही हूँ येलो कलर में, मतलब हमें ये अपना एरिया फ्लावर्स से फिल करेंगे तो उसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। ये पॉलिन्स का एंड जो क्या बोलते हैं उसे, स्टेम, वो कट कर देंगे और जो बस सामने का जो एरिया रहता है उसी को हम यहाँ पे जगह ढूंढ के और उसको ग्लूकन की मदद से पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमने हमारे फोम फ्लावर्स भी मैंने ऊपर की तरफ लगाए हैं, जो हमारा फ्लावर है ग्रीन कलर वाला वहाँ पे, और वहीं मैंने छोटे छोटे जो होते हैं ना पेपर फ्लावर, वो थे रेड कलर में मेरे पास, वो भी मैंने कहीं कहीं इसको छोटा छोटा एक दो रख दिया है, ज़्यादा नहीं। तो अभी जो हमारी थैली यहाँ तक की है वो कुछ इस तरीके से है। अभी हम हमारी जो कोन्स हैं उनको तैयार करेंगे, लेकिन कोन से पहले ये कुछ बूटियां हैं मेरे पास रेड कलर में, तो मैं इनको लगाऊंगी क्योंकि जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं वो अभी हमारा जो गोटे का हमने वहाँ पे पॉइंट रखा था एक सेंटर पे, वो अभी विजिबल है, उसे हम कवर करेंगे इनसे। ये रेड कलर में है मेरे पास तो देखने में काफ़ी प्यारी लग रही होंगी। तो हम इतना भी सुंदर लग रहा है, लेकिन मैं टू टू पीसेस और इसी के बराबर में रखूंगी, यहाँ नहीं इधर साइड पे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। इसे लुक काफ़ी सुंदर हुआ है, बाकी आपकी देख लीजिएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अभी तक का फाइनल जो हमारा आया है वो कुछ इस तरीके से। चलिए अब अपनी कोन्स प्रिपेयर कर लेते हैं। तो कोन्स आप कोई भी ब्रांड ले सकते हो जो आपके पास में अवेलेबल हो आपके यहाँ। मेरे पास बांसुरी की कोन्स है मेरे पास अवेलेबल, तो मैं वो लगा रही हूँ। उसके लिए ये ग्रीन कलर की फ्रिल वाली लेस ले रही हूँ। तो हम छोटा सा, बिल्कुल वो छोटा सा कम सा ग्लू लेंगे और हम हमारी लेस के ऊपर ऐसे रख रहे हैं। तो जो कोन का पॉइंट होता है ना जहाँ से मेहंदी आउट होती है, वो वाला एरिया को थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा और ये लेस को थोड़ा टाइट हाथों से पकड़ के इसको पूरे पे हम रैप कर देंगे कोन को। कुछ कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना क्रिसमस ट्री जैसा, ऐसा हम तैयार कर लेंगे। एंड को लॉक करेंगे इसके को, और उसके बाद में ये गोटा पत्ती है मेरे पास, ये 1/2 इंच साइज वाली है, वो इसके ऊपर रख देंगे। और कलर आप चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी इसके ऊपर पोम पोम का लगा सकते हो, रेड भी लगा सकते हो, हमने सारा ग्रीन कर दिया उसको। नेक्स्ट हमारी कोन रहेगी येलो कलर की, ये लेस हमारी येलो कलर की रहेगी। प्रोसेस एकदम सेम है, बस हमें छोटा सा ग्लू लगा के और इसको रोल रोल करते जाना है। यहाँ पे भी हम सेम अपना गोटा है जो वो लगा देंगे ऊपर।
इसके ऊपर पोम पोम रखूंगी मैं रेड कलर का। ये देखिए तैयार हो गया। अभी नेक्स्ट कोन भी हम तैयार कर लेते हैं। मैंने 3-4 कलर की इसमें लेस यूज़ करी है, ये रेड कलर में है। नॉर्मल जो ब्लाउज की डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ की जाती है ये वो वाली लेस है। इस तरह की हम 2 कोन तैयार करेंगे रेड वाली। और इसके ऊपर जो पोम पोम रखा है वो मैंने येलो कलर का लगाया है। नेक्स्ट हमारी सेम ही है लेकिन गोटा वाली लेस है, कामपुरे वाली गोल्डन कलर में। इस तरह की मैंने 5 कोन तैयार करे हैं ये थाली पे, क्योंकि हमने 5 कंपार्टमेंट्स बनाए थे उसके लिए। और वही सेम पोम पोम रखेंगे इसके ऊपर रेड कलर में। सो ये भी तैयार होगी। नेक्स्ट वन हमारी मरून वाली है जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसको रैप करने का तरीका एकदम सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा ग्लू लगाना है और रोल रोल करते जाना है। सो इस तरह से देखिए ये भी हमारी लमसम प्रिपेयर हो गई है। येलो कलर का ही पोम पोम इसके ऊपर भी लगा दिया है। चलिए अभी ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ मेरे पास 12 mm साइज़ के मोती है वो मैं थाली पे कहीं कहीं रख रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। इससे क्या हो रहा है ना कि लुक इसका कुछ कुछ ऐसा आ रहा है जैसे स्नो फ्लेक्स होती है ना, वो इसके ऊपर हैं, वाइट वाइट कुछ उस तरह का लुक आएगा इसका। अभी हम हमारी थाली में अपनी कोन्स को असेंबल करते हैं। तो सेंटर पे जाएगी हमारी गोल्डन कलर की और साइड्स में रेड। तो चलिए इसका एक क्विक अपना हम फाइनल लुक देख लेते हैं। ये है हमारी थाली का फाइनल लुक जो बनने के बाद में कुछ इस तरीके का दिखेगा। सो आई होप आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।